हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है एक नया दिन और आज का ये प्लान है कि अभी मैं हूँ बैंगलोर में क्योंकि बैंगलुरु डजंट सूट बैंगलोर दिल के पास है। तो अभी मैं हूँ बैंगलोर में और अब यहाँ से निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए एंड द प्लान इज टू कैच अ फ्लाइट एट 5 PM। नाउ आई कॉल उबर, although it's early, it's approximately 12:30 PM right now, but I plan to start early because Bangalore is congested and commuting here is not easy. It is very very much time taking. Okay, so अभी start करते हैं, Uber बुलाते हैं and we start my journey then. अभी मैं जहाँ रुका था उसी flat पे and ये रहा मेरा सामान, it's all ready. So now we'll just start my journey and proceed ahead. Stay tuned. सर हम लोग निकल चुके हैं, दिस इज द सोसाइटी इज पार्किंग। बहुत ही बड़ी सोसाइटी है ये, बहुत ही बड़ी एंड यू मे बी गेटिंग वाइट नॉइस, सॉरी फॉर दैट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, अब चलते हैं सीधा अंदर चेक इन कराते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है। जब मैं दिल्ली से आ रहा था बैंगलोर तो कितनी ज़्यादा भीड़ थी एयरपोर्ट में, पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा आपने, और यहाँ देखना बिल्कुल खाली है, गिनते के 10 लोग हैं। तो और मैं तो बहुत जल्दी आया हूँ टाइम से क्योंकि आई एक्सपेक्टेड समथिंग सिमिलर। सो अब बैठेंगे आराम से एयरपोर्ट पे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। थैंक यू। सो वी आर डन विद द लगेज चेक इन, नाउ वी विल लीव द ट्रॉली। सो गाइस मैं बहुत जल्दी हूँ टाइम से, ठीक है तो अब चलते हैं आगे। एंड अभी सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो गया, यहाँ से वापस आ गए हैं और अब देखते हैं कहाँ बैठना है, कुछ ऐसा एयरपोर्ट है ये। ओके लॉन्च जाएंगे, लॉन्च इस तरफ है, यहाँ चलते हैं। सो अपने निर्णय यार इनसे ये लिया है सीरियल नंबर फॉर वाईफाई पासवर्ड, क्योंकि वाईफाई तो बहुत ज़रूरी है और ये कुछ लॉन्च है इनका। यार अब मैं लॉन्च में आ चुका हूँ एंड अभी कुछ खाने का मन तो है नहीं, अभी KFC खाया था, ठीक है, बट अब आई हैव स्टार्टेड माई व्लॉग एडिटिंग, ये व्लॉग भी जल्द आएगा। दिस इज बैंगलोर 2022 Day 1। ओके सो बढ़िया, अभी तो लेकिन यार मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम वेरी वेरी स्लीपी राइट नाउ एंड मेरे पास काफ़ी टाइम है अभी, तो इट्स 3:49 PM राइट नाउ
और मेरी फ्लाइट इज़ एट 5:50 PM तो करेंगे बहुत आराम से, एक व्लॉग एडिट हो जाएगा और एक आध सीरीज का एपिसोड भी देखेंगे और उसके बाद खाना भी खाएंगे और फिर चलेंगे। ओके सो इट्स ऑलमोस्ट 4:50 PM एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर बोर्डिंग। एंड बढ़िया था अभी, लंच भी किया, कबाब भी खाए और यहाँ बैठे हुए थे, ऐसे अच्छा टाइम पास हो रहा था। एंड ऑब्वियसली द व्यू ऑफ एरोप्लेन्स, हु डजंट लव दैट। सो ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया। एनीवन वांट्स फ्रूटी हैप्पी लेके आऊँ किसी के लिए बताओ। चलो अब चलते हैं यहाँ से सीधा बोर्डिंग गेट पे, विल एग्जिट द लॉन्च and we'll go towards the boarding. लो भाई, पंजाब में आप जीत गई एंड यूपी में बीजेपी as expected. चलो बढ़िया, देखते हैं क्या चेंज होता है। तो ये है मेरा गेट, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं चलता हूँ अभी। एंड ये है प्लेन जिस पर जाएंगे। तो गाइस मैं दोबारा बैग चेकिंग के लिए रोका गया। सर अभी इतनी तो चेकिंग करा के आते हैं हम अंदर। ओके श्योर। थैंक यू सो मच। ओके एंड दिस इज बोइंग 787। जस्ट नाउ द कैप्टन क्रॉस मी एंड ही टोल्ड मी, लाइक आई आस्क्ड हिम, so he told me it's Boeing 787. So चलते हैं अंदर फटाफट। सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट सीन होगा, मैं वीडियो बना रहा था, अभी मैं प्लेन के अंदर आ चुका हूँ, मैं वीडियो बना रहा था और अचानक से मेमोरी खत्म हो गई फ़ोन पे। तो मैंने अभी आते ही फटाफट आए ट्रांसफर द डेटा इन टू मैकबुक और अब जगह बनी है और सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब वैसे ओनली 4-5 GB ऑफ स्पेस जो कि आधे व्लॉग में चला जाता है, ठीक है। तो चलो करते हैं कुछ, इसको कुछ फ़ोन को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो तुम्हारा भाई कहाँ बैठा है, वो है सामने बिजनेस क्लास एंड दिस इज़ द सेकंड रो विंडो सीट एंड दिस प्लेन इज बोइंग 787, लाइक दैट इज़ द ह्यूज प्लेन राइट, जस्ट लुक एट इट, इसके विंग्स एंड इंजन हैव सो सो ह्यूज एंड टिंटेड ग्लासेस, या सो ऑल इन ऑल गुड। ये देखो भाई, इसमें ना ये रूट, ऑटो जूम, हाई रेजोल्यूशन, ये सब दिखाता है, बढ़िया टाइम पास है पूरा पूरा। तो रूट देखें अपना क्या दिखा रहा है अब। ये रहा भाई बैंगलोर टू दिल्ली और अभी हम बैंगलोर से निकल चुके हैं, तो दिखा रहा है कहाँ पे, तुम बैंगलोर थोड़ा आगे दिखा रहे, देखो भाई अभी तो निकले ही हैं, 120 किलोमीटर चल रही है ये, बहुत ही बढ़िया।
आउटसाइड एयर टेम्परेचर -19 degrees centigrade. ओके, और स्पीड इज 814 किलोमीटर पर आवर. बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा टाइम पास है, देखते रहो इसी को. हमने सीट चेंज कर लिया, बहुत सारा लग रहा है, बहुत आराम से बैठे हैं, क्योंकि पीछे बेबी था, वो बहुत रो रहा था, तो फिर मैं आगे आ गया एंड बेबी को भी जगह मिल गई पीछे. ये इमरजेंसी एग्जिट, और अभी तो शुरू ही हुआ है सफ़र, देखते हैं आगे. बढ़िया, मेरा मन कर रहा है अब एडिटिंग ही कर लूँ एक, और देखते हैं क्या करना है. ओके, सो वी आर अबाउट टू लैंड नाउ. अब एक कर्टन्स फोल्ड हो गए हैं, जैसे यहाँ पे बंधे हुए हैं, सो एंड इट्स लैंडिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड. सो इट वाज क्वाइट नाइस जर्नी. एंड ये लैपटॉप का बैग गिरा, बंद कर दिया हमने लैपटॉप, क्योंकि एडिटिंग हो चुकी है, एक और ब्लॉग आने वाला है. ओके गाइस, सो नाउ वी हैव लैंडेड एंड अभी डोर्स ओपन होंगे, बस फिर चलेंगे बाहर, और यहाँ से मेट्रो से घर जाना है आज मुझे, देखते हैं आगे. Finally reached Delhi. Feels good to be back. And IGA T3 is nice, yaar. So now we have reached in the airport. और अब यहाँ बहुत चलना पड़ता. चलो, luckily we have escalator, sir. So we'll use that. Yaar, I love this wallet T3. It just looks amazing. Two thousand years later. So finally bag aa gaya. फिर से आधा घंटा वेट कराया आज. तो चलते हैं, चलो यहाँ से बाहर, फिर मेट्रो और फिर घर. एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. सो गाइस, वी हैव रीच्ड द दिल्ली एयरपोर्ट एंड अब यहाँ से आई एम गोइंग टू मेट्रो. ये एक अंडर पास है फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड हम इससे जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और मेट्रो से आगे घर. अब उसके आगे कुछ व्लॉग करने वाला होगा नहीं. सो दिस वॉज माई व्लॉग विच आई डिड बाय एयरलाइंस. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. मिलते हैं एक और दिन एक नई वीडियो के साथ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा. और हाँ, और कैसे व्लॉग्स चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. कोशिश करूँगा कि वैसा ही कंटेंट लाया जाए जैसा आपको पसंद है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. स्टे आउट.